आचार्य जितेंद्र जैन हैदराबाद से। आई एम रनिंग माई कंपनी कॉल सहज आपको सर्विसेस। नमस्ते सर, जय जिनेंद्र। नॉलेज डिलीवरी करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप पर काम करना होगा। कोई भी फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में आपको अपने आप पर काम करना होगा। उसके लिए आप पहले अपने आचरण, व्यवहार, खान पान, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमोशनल बैलेंस होना जरूरी है। जब तक इमोशनल बैलेंस नहीं होगे तो आपके चक्रा और औरा कभी भी बैलेंस नहीं होंगे, ये मेरा कहना है। और नाम का क्या इम्पोर्टेंट है? नाम का सब कुछ है। नाम के लिए तो लोग पैसे दान करते हैं मंदिरों में, देखा होगा ना, मंदिरों के बाहर लिखा हुआ होता है। तो नाम का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? नाम के साथ ही आपका जीवन जुड़ा हुआ है। आपको नाम से जाना जाता है, ना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से। तो नाम इतना इम्पोर्टेंट है। तो नाम को रूल क्या है कि आपका नाम जो है करेक्ट है नहीं है, वो आपको आपके रोल क्या प्ले कर रहा है। सपोज आप जा रहे हो कहीं पर और सामने पत्थर है, क्या हो जाएगा? आपने नहीं देखा है और गिर जाओ, छोटा सा पत्थर भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपका जो नाम है वो आपके जीवन में 30 to 40% सक्सेस और फेल्यूर में कारण है। 30 to 40% लिख लीजिए, 30 to 40% आपके जीवन में योगदान है आपका नाम का। फिर नाम हमने जो रख दिया है माँ बाप ने, वो ठीक है नाम रख दिया है, मगर क्या अभी चेंज नहीं कर सकते हैं? यस, अभी भी हम चेंज कर सकते हैं। अब नाम में चेंज करना है तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उसके नियम क्या है, उसके नियम क्या है, उसके नियमों को सीखेंगे। और कम से कम मैं चाहूंगा कि आपके पास 10 डेट ऑफ बर्थ, 10 नाम होने चाहिए। जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसका नाम, उसका निकनेम, ये आपको रखना है साथ, क्योंकि आप होमवर्क करोगे। मैं होमवर्क दूंगा, मैं सबका होमवर्क चेक करूंगा, क्लास में चेक करूंगा। इसीलिए नाम कलेक्ट करना करिए, जितने अपने आजू बाजू घर के मेंबर है उनका ही कलेक्ट करना है। क्यों, पता कैसे चलेगा कि राइट है रॉन्ग है, उनके बिहेवियर पैटर्न कैसे चलेगी पता चलेंगे। तो सबसे पहले अभी एक पेज पर अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना निकनेम और टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि बाद में मुझे फोटो लेके ग्रुप में डालनी है। नाउ अब सर, नाम में बर्थ टाइम तीन भी होते हैं। क्या? नाम में क्या होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। नाम में नॉर्मली तीन चीजें होती है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जो फर्स्ट नेम है वो आपकी आइडेंटिटी है, वो आपकी आइडेंटिटी है। जो लास्ट लास्ट है वो आपके फैमिली की, फैमिली में तो खानदान बोल लीजिए, उसकी आइडेंटिटी है। जब नाम में चेंज करना है तो कभी भी हम सेल्फ के नाम को ही चेंज करते हैं, मिडिल नाम और लास्ट नाम को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फाइन, अब नाम का समझ में आ गया। अब नाम में क्या क्या होता है? नाम में दो होते हैं, क्या होते हैं, एक होता है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स।
आपके नाम में से वावल्स मतलब क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसको अलग हटा दीजिए और वावल्स को कॉन्सोनेंट को अलग हटा दीजिए अपने नाम से। ओके, तो नाम में आपने वावल्स अलग निकाल लिया, कॉन्सोनेंट अलग निकाल लिया। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली वुमेन्स के लिए, नाम कौन सा लोगे? यदि नाम चेंज किया है शादी के पहले वाला नाम या बाद में वाला नाम, तो जो अभी जाना जाते हो उस नाम को लोगे, एक साइड एक पेज में वो लिखोगे और एक पेज में जो आपका ओल्ड नाम है उसको भी लिखो। अब ये पूछ सकते हो नाम में जो है डॉक्यूमेंट में अलग है और आपका नाम जाना जाता हो अलग नाम से, वैसे कंडीशन में उस डॉक्यूमेंट वाले नाम को भी और एक पेज पे लिखोगे, मतलब तो तीन पेज पे लिखोगे। चलिए, अब एक पेज पर, पहले वाले पेज पर लिख लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ, तो पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डाल दीजिए, आज की डेट डाल दीजिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो बाद में। ओके, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या है, डीडी तीन होते हैं, डीडी एमएम वाई वाई वाई, हम इंडिया में हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है डीडी एमएम वाई वाई। डीडी का मतलब होता है डे, मतलब डे मतलब 1 to 31 तक आएगा। ओके, अब मंथ क्या होगा, एमएम मंथ महीना 1 से 12 तक, ईयर क्या होगा, जैसे अभी 2022 चल रहा है ना, तो 2022। ओके, अब उसमें से आपकी डेट ऑफ बर्थ में से एमएम बाजू हटा दीजिए। ओके, अब फिर उसमें से एमएम सॉरी डीडी एमएम वाई वाई को अलग अलग लिख लीजिए, मतलब एमएम को इक्वल टू डाल दीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ और बाजू और एक बार डेट लिख दीजिए, एमएम डीडी वाई वाई कीजिए। 3 दिन में एटलीस्ट आप और अपने घर वालों का नाम चेंज कर सकते हो, किसी का भी नाम चेंज कर पाओगे, एटलीस्ट उतनी तो आपको आनी चाहिए मेरे साथ, तो इतना तो आना ही चाहिए, यदि सीरियस हो तो आ जाएगा। चलिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में से आपने डीडी अलग कर लिया, डीडी एमएम वाई वाई अलग कर लिया, मतलब दो पार्ट कर दिया आपने। एक डीडी डीडी इक्वल टू लिखिए, डीडी इक्वल टू डी प्लस डी, डीडी इक्वल टू डी प्लस डी, डी प्लस डी इक्वल टू, जैसे किसी की डेट 18 है, 28/01/2022 है, तो डीडी क्या हो जाएगा इसमें 28 होगा, एमएम क्या होगा 01, वाईवाई क्या होगा 2022। तो हमने क्या किया, पहले डीडी को अलग कर लिया, डीडी इक्वल टू डी प्लस डी 2+8, क्या किया 2+8 को वापस ऐड कर दीजिए तो 10 आएगा, फिर 10 को एक 1+0 करना पड़ेगा, जब तक आपको सिंगल डिजिट में नहीं आएगा तब तक आपको लाना है सिंगल डिजिट तक। ओके, आप सपोज आज की डेट है 28 को लेते हैं, आज सपोज किसी का जन्म हुआ, उसकी डेट है उसकी 01/2022, इसमें डीडी फॉर्मेट क्या हो जाएगा इक्वल टू 28, और फिर से वापस लिख लीजिए, अब मतलब वापस लिखना है 28/01/2022। ओके, अब जो डीडी इक्वल टू है उसे कहते हैं ड्राइवर, उसे क्या कहते हैं ड्राइवर, ड्राइवर इक्वल टू डी प्लस डी, मतलब क्या हुआ 2+8=10, फिर इक्वल टू, कब तक करते रहेंगे हम लोग, जब तक जीरो सिंगल डिजिट में नहीं आता है तब तक हम इस तरह से करते रहेंगे। तो ये क्या होगा 0+1=0, तो आज का ड्राइवर क्या है, ड्राइवर इक्वल टू
इक्वल टू वन। तो आप अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ में भी निकालिए, सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ पे काम कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किसी और के करोगे तो समझ में नहीं आए। ओके चलिए ये क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछ लेना मुझे। चलो मैं फिर समझाता हूं। तो डी 20 आज की डेट निकाल लो, डी डी एम एम वाई वाई, डी इक्वल टू डी डी कितना हो गया, ये हो गया आज, बाकी ये अलग लिख लिया आपने। ड्राइवर का मतलब है, इसको भी निकाल दीजिए कंफ्यूज को, ड्राइवर का मतलब होता है डी प्लस डी, डी प्लस डी का मतलब इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर, यहाँ पर डी कितना है, टू प्लस एट, टू प्लस एट टेन, वन प्लस जीरो इक्वल टू वन, ये क्या हो गया आपका ड्राइवर, ड्राइवर जो है एक आ गया। अब कंडक्टर क्या आया है, कंडक्टर का मतलब पूरा डेट बर्थ डेट का टोटल, इसको निकालने के लिए कैसे करते हैं, डी प्लस डी प्लस एम एम प्लस वाई वाई वाई, तो टू प्लस एट प्लस जीरो वन प्लस टू जीरो प्लस टू टू, क्योंकि आज 2022 है तो कितना होगा 10, टू प्लस एट 10 प्लस 11 13 और जीरो 13 और 15 दो 17, 17 आया, 17 को क्या किया, फिर डबल डिजिट डिजिट है, दो नंबर वाला डिजिट है तो हमें सिंगल डिजिट पे करना है, वन प्लस एट इक्वल टू वन प्लस सेवन इक्वल टू एट, तो कंडक्टर कितना होगा इसका 8 होगा। तो इसको जनरली कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डी इक्वल टू वन और कंडक्टर इक्वल टू एट। ओके ड्राइवर और कंडक्टर हमको मिल गए, क्लियर है ये, किसी को डाउट आया तो पूछ लेना, मैं वेट करता हूं। ओके अब आपने ड्राइवर और कंडक्टर निकालना सीख लिया होगा। ओके अब आता है तीसरा नंबर जो आता है। ओके अब ये देखो, अब और एक नंबर निकाला जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, क्या निकाला जाता है, और एक नंबर निकाला जाता है, उसे कहते हैं कुआ नंबर। आज सिर्फ हम नंबर निकालने के ही प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट क्या है कुआ नंबर। कुआ नंबर का मतलब क्या है, ओके अब कुआ नंबर, अब कुआ नंबर क्या होगा, कुआ नंबर और एक नंबर निकलता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, इसके दो रूल्स है। ओके बट हम इस सेशन में एक ही रूल को लेंगे, सभी अंक जो पहले सीखे हैं न्यूमरोलॉजी कंफ्यूज मत होना प्रणील जी और। ओके अब कुआ नंबर, के मतलब कुआ, के यू ए, कुआ नंबर कैसे निकालते हैं, दो अलग 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 कुआ नंबर होते हैं, मेल के लिए अलग होता है फीमेल के लिए अलग होता है, फार्मूला सिंपल फार्मूला है। ओके तो कुआ नंबर क्या करते हैं, मेल के लिए कुआ नंबर जो निकालते हैं मेल के लिए क्या करते हैं, फार्मूला मेल के लिए 11 माइनस वाई 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 और फीमेल के लिए इक्वल टू 4 प्लस वाई 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 वाई। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, यही लेते हैं, सपोज डेट ऑफ बर्थ किसी के फीमेल का भी हो सकता है मेल का भी हो सकता है, तो अभी कुआ नंबर क्या होगा, मेल मेल है तो क्या होगा, मेल के लिए क्या होगा, मेल के लिए क्या बोल सकते हो कोई भी मेरे पुराने स्टूडेंट ने। ओके अब मेल के लिए क्या होगा, 11 माइनस माइनस कितना होगा 200 का सिंगल डिजिट निकाल लीजिए, क्या कीजिए बाजू यह है कहीं तो भी एक सिंगल डिजिट निकाल लीजिए, वाई 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 का सिक्स सिक्स है सर, ओके 11 माइनस सिक्स फाइव। ओके अब वाई वाई को सिंगल डिजिट में निकाल लीजिए, तो वाई वाई मतलब हुआ टू प्लस जीरो, कोई भी जीरो, कोई यहाँ पर जीरो आया हो सकता है किसी का 1984 हो तो क्या करोगे, 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4, तो 2 प्लस 0 प्लस
प्लस प्लस टू तो कितना हो जाएगा पूरा इसका सिक्स कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा सिक्स हाँ ओके अब कुआ नंबर जो फीमेल का होगा तो कैसे करना है फीमेल का कुआ नंबर वन आएगा सर फोर प्लस ओके अब फीमेल का कुआ नंबर निकालना है आपको मेल का भी फीमेल का भी अब मेल के लिए क्या करेंगे 11 माइनस सिक्स करेंगे सपोज कोई बेबी हुआ है आज तो उसका कुआ नंबर अलग रहेगा मेल का कुआ नंबर अलग रहेगा 11 माइनस सिक्स कितना हो जाएगा फाइव इक्वल टू फाइव फाइव ओके फीमेल के लिए क्या रहेगा आज का कुआ नंबर किसी का भी फोर प्लस वन वन होगा सही जगह टू वन होगा तो क्या किसी याद रखो न्यूमरोलॉजी के अंदर कितना सबको एक सिंगल डिजिट में ही निकालना है फोर प्लस सिक्स क्योंकि फोर तो फार्मूला ही है अब ये मैं पूछना मुझे कि फार्मूला कहाँ से आया है किसी को पता नहीं जो लोशो ने डिजाइन किया है जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है वहां से आ रहा है वो चलते आ रहा है ये लेवन ही क्यों किया नो बड़ी नोस हर एक अपने अपने फार्मूला लगाए हैं लेवन इसलिए होगा क्या क्या चार इसलिए होगा नहीं वी डोंट नो ओके अब इसीलिए ओके इक्वल टू टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा वन वन प्लस जीरो इक्वल टू वन हो जाएगा तो मेल के लिए कुआ नंबर क्या हुआ फाइव फाइव ओके मेल के लिए क्या हो जाएगा कुआ नंबर मेल के लिए कुआ नंबर क्या पांच हो गया फीमेल के लिए कुआ नंबर क्या हुआ एक वन तो अब अपना अपना कुआ नंबर निकाल लीजिए हाँ वहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ में लिख लीजिए ऊपर कभी भी मेल है फीमेल ओके यहाँ तक क्लियर सबको किसी को डाउट है पूछ लेना ओके फाइन अब कुआ नंबर आ गया हमारा ओके ये तीन चीजें जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आती है क्या आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ से आती है तीन चीजें कौन सी ड्राइवर कंडक्टर और कुआ चलो अब वापस शुरू करता हूं थोड़ा सा आपको फ्लेवर दे रहा था नंबर्स का कैसे नंबर कितने होते हैं वन टू नाइन होते हैं क्या होते हैं नंबर्स वन टू नाइन ही होते हैं डेटा पर है नहीं नंबर जो है वो एक नंबर है दो नंबर दो है बाकी जो भी नंबर है वो कहाँ किसने डेवलप किया है हमने उसको उसी नंबर को लेकर हमने टू डिजिट थ्री डिजिट फोर डिजिट हमने आविष्कार किया बाय नेचर से हमको वन टू नाइन ही नंबर मिला है ओके वन टू नाइन ही नंबर मिला ओके अब वन टू नाइन नंबर में मीनिंग क्या है आखिर नंबर क्यों इतने इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये है नौवीं नंबर क्यों है एक्चुअली देखा जाए तो सात ही नंबर रेनबो के जो कलर सात कलर जो है वो रेनबो के जो कलर्स होते हैं सात वो सात नंबर के साथ जुड़े हैं ये और दो नंबर होते हैं वो एडिशनल नंबर होते हैं वो आगे देखेंगे जब हम उस ब्रह्मांड से जो किरणें आती हैं पहले किस कौन सी किरणें होती हैं आरबीजी होती हैं जो जो आपको जो कलर्स आते हैं वो आरबीजी होते हैं रेड ब्लू ग्रीन ये डिफॉल्ट कलर्स हैं जब धरती से आकर टच होगी वही सात तीन कलर सात कलर में कन्वर्ट हो जाएगा अब वो सात कलर कहकर वी आर मिक्सिंग द डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन Then we are getting the new colors of shades. But basically देखा जाए तो RBG है इसीलिए जितने भी जानवर है वो सब जानते हैं RBG कलर को रेड को जानते हैं फायर को जानते हैं ग्रीन को जानते हैं और ब्लू को जानते हैं पानी को तो इनके पास by default RBG हर एक जीव को RBG कलर को सेंस करने की एबिलिटी होती है हो सकता है वो आरबीजी की फ्रीक्वेंसी को सेंस कर सकता है
कुछ लोग कलर को सेंस कर सकते हैं, कुछ कलर को फील कर सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को। ओके, ये 1 to 9 नंबर जो है वो भी फ्रीक्वेंसी है, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। अब 1 to 9 नंबर क्या है लिख लीजिए। ओके, 1 नंबर है सन का, 2 नंबर है मून का, ओके, 3 नंबर है जुपिटर का, 4 नंबर है राहु का, 5 नंबर है मेरक्यूरी का, 6 नंबर है वीनस का, 7 नंबर है केतु का, 8 नंबर है शनि का, 9 नंबर है मार्स का। ओके, 1 नंबर जो है सन का है, वो सन है सूरज, दूसरा मून, जुपिटर मतलब गुरु, 4 मतलब राहु, राहु मतलब हेड, लिख लीजिए ब्रैकेट में हेड लिख लीजिए, ये चीनी हेड मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब हेड पार्ट, 5 है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मतलब बुध, 5 नंबर, 6 जो है वीनस है, वीनस मतलब शुक्र, 6 मतलब शुक्र, 7 मतलब केतु, केतु का मतलब होता है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो राहु था वो क्या था अपर पार्ट ऑफ बॉडी मतलब हेड पार्ट, और जो निचला पार्ट है वो है केतु। 8 है शनि, कौन नहीं जानता शनि को, बचपन से सबसे ज्यादा नाम सुने हैं शनि का ही। ओके ओके, 9वां है मार्स मतलब मंगल, ये आखिर ये 9 प्लैनेट के क्या है आपके पास नंबर सही है। ओके, फिर से कहता हूं 1 नंबर मतलब याद रखो, खाली वर्ड को याद रखो, 1 मतलब सन, सन का मतलब क्या है, अब किसका किसका ड्राइवर कंडक्टर और कुआ नंबर कौन से प्लैनेट से है वो बाजू लिखी, सपोज किसी का 1 आया ड्राइवर तो कौन से प्लैनेट का ब्रैकेट में लिखिए, कौन से को ड्राइवर का प्लैनेट कौन सा है, कंडक्टर का कौन सा है और कुआ नंबर का कौन सा है। चलिए फाइन, लिख लिया आपने कौन सा प्लैनेट से संबंधित हो आप लिख लीजिए, आपका आज आपका नेचर कैसा है ये पता चल जाएगा इस ड्राइवर कंडक्टर कुआ नंबर से, आप कैसे विचार के हो, जैसे मेरा ड्राइवर 9 है और कंडक्टर 4 है, आखिर ये 9 और 4 क्या है, मतलब 9 मतलब क्या हो मार्स, 4 का मतलब हुआ राहु। ओके नाउ अब आगे थोड़ा देखते हैं। ओके फाइन, ड्राइवर कैसे निकालना समझ में आ गया, कंडक्टर और कुआ नंबर किसी को समझ में नहीं आया, प्लैनेट के प्लैनेट के 1 to 9 नंबर या नाम याद हो गए, नाम समझ में आ गए, यस सर जी सर। अब ये देखो कि एक परिवार के अंदर कौन कौन होता है, राजा के, राजा के परिवार में राजा खुद होता है, उसकी वाइफ होगी, उसका बेटा बेटी रहेंगे, उसका गुरु भी तो रहेगा ना राजगुरु जी, कौन रहेगा राजगुरु तो रहेगा ना एक एडवाइजर जी, फिर सेनाधिपति रहेगा, क्या रहेगा सेनाधिपति रहेगा, सेनाधिपति। ओके नेक्स्ट कौन रहेगा, प्रजा रहेगी और राज में न्यायाधीश भी रहेगा ना, कोई न्यायाधीश तो रहेगा ना, एग्जाम्पल अभी आज के दौर में ले लेते हैं, पहले कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी है, राजा रानी राजकुमार राजकुमारी और सेनाधिपति और राजगुरु और प्रजा प्रजा
प्रजा के बाद सेनाधिपति, न्यायाधीश, न्यायाधीश। ओके, अब देखो एक राजा मतलब है, राजा कैसा रहता है? किसी की बात सुनता है? मोदी किसी की सुनता है? तो राजा किसी की भी नहीं सुनेगा, मतलब है एक नंबर वाला किसी की नहीं सुनेगा। ओके, जो एक नंबर जो है वो राजा का नंबर है, लिख लीजिए बाजू, सन के बजाय राजा। समझने के लिए, सन तो प्लैनेट है, सन सुनता के कभी बोल सुना के कभी किसी की? अपने हिसाब से उगता है, अपने सनराइज होता है, अपने हिसाब से सनसेट होता है, किसी की नहीं सुनता है। ओके, किसी की नहीं सुनता है। तो राजा जो है किसी की भी नहीं सुनेगा, वन नंबर वाला कभी भी किसी की भी नहीं सुनेगा, वो राजा है। इतना ही लिख लीजिए, राजा। राजा कैसा रहेगा भाई? मोदी किसी सुनता है? कहीं पब्लिक से मिलने चल जाता है, पब्लिक में जो भी है, कहीं एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, कोई भी वन नंबर वाला राजा होता मतलब है लीडर है। क्या है? लीडर है। ओके, नेक्स्ट, दो नंबर वाला रानी। दो नंबर जो है वो रानी। ओके, अब रानी कैसी रहेगी? राजा की बात मानेगी, नहीं बनाएगी। ओके, रानी का मतलब है फॉलोअर, उसको देखभाल करने वाली, किसको? राजा को। तो दो नंबर जो है वो रानी का है। रानी कैसी होगी? भावात्मक होगी, भावना में। राजा भरता क्या? देखो अपने मम्मी पापा को देखो ना, पापा कितने वो होते हैं, रिजिड होते हैं, मम्मी कितने होती हैं, भावना में होती हैं। तो मतलब रानी है, वो भावना में रहेगी, फीमेल है वो। नेक्स्ट, राजगुरु। राजगुरु मतलब आज के हिसाब से लिख लो एडवाइजर्स। सीएम और पीएम क्या इंडिपेंडेंट काम कर ले, पूरा नॉलेज होता है कि उनको? नहीं होता है ना। होता है कुछ कुछ, हर एक का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, ओवरऑल नॉलेज होता है, मगर उसको एडवाइजर देने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। ओके, उन्हें एडवाइजर देने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं, मतलब आज के दौर में एडवाइजर्स, पुराने जमाने में राज। ओके, फाइन। गुरु का मतलब और एक भी ले सकते हो, जिसे एक्सपीरियंस है वो भी एक गुरु ही है। जैसे ऑफिसेस में कि गुरु रहेगा क्या? नहीं, वो एक्सपीरियंस जो बंदा होगा वो गुरु कहलाता है। समझने के लिए, चार नंबर वाला होता है राहु। राहु का मतलब अभी मैंने क्या कहा, ऊपर का पार्ट नहीं होता है, सर का पार्ट नहीं होता है, मतलब सब वो जिसके बॉडी पार्ट नहीं है, खाली हेड पार्ट है, क्या किससे काम करेगा वो सिर्फ प्लानिंग करेगा, मतलब उसका मतलब है ही विल डू ओनली विद हेड। हेड मतलब प्लानिंग, दिमाग से काम करने वाला, फिजिकल काम नहीं कर सकता है, फिजिकल काम नहीं कर सकता है, वो है प्लानिंग करने वाले। कौन है प्लानिंग करने वाले? हमारे देश की प्लानिंग कमीशन। खाली क्या करती है वो? खाली प्लानिंग करती हैं, कभी बस प्लानिंग करती रहेगी। दे आर फोर नंबर वाले। ओके, नंबरों का बहुत बड़ा खेल है, अंक बोलते हैं, अंकों की भाषा है, समझना पड़ेगा। जैसे वास्तु की भाषा है, एस्ट्रोलॉजी की भाषा है, इहलिंग की भाषा है, वैसे भी इन नंबरों की भाषा है। मगर नौ नंबर है, हर एक के पास ही नौ नंबर है, पर सब अलग 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 बोलेंगे, हर एक के। मेरे लिए अलग बोलेंगे, विजय के लिए अलग बोलेंगे, फिर या संयम के लिए अलग बोलेंगे। ये नंबरों का खेल है, हर अंक बोलते हैं, मगर उसको कैच करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, चार नंबर हो गए। पांच नंबर कौन है? राजकुमार। अब राजकुमार क्या कैसा रहता है? आप संयम है, संयम नटखटा है, घर में सब क्या करता है वो? मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, मेरा फेवरेट स्टूडेंट, बहुत डांट खाता था, आज भी सवेरे भी डांट खाया था फोन की। क्यों, कौन खाता है डांट? नटखट होता है, प्यारा होता है, वो पांच नंबर वाला होता है, राजकुमार है ना। राजकुमार कैसा होता है? राजकुमार होता है नटखट, जिसे उसे कुछ भी नहीं मालूम,
ओके, ना ऊंच मालूम है, नीच मालूम है, ना ईगो मालूम है, सबसे मिलनसार होता है। बच्चे कैसे होते हैं, कैसे होते हैं बच्चे, मिलनसार जैसे होते हैं, वो पांच नंबर वाले होते हैं। ओके, बाजू लिख लीजिए राजकुमार। अब छठवा नंबर है राजकुमार। राजकुमारी कैसी होती है, सुंदर सी होती है, उसे गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, हाँ ये चाहिए, कितने सारे सामान है। आपकी अपनी बेटियों को देख लीजिए, कमरे में कितने सामान, कपबोर्ड में, सूटकेस में कितने सामान होंगे, कितने सामान इकट्ठा करती है। कभी देखा क्या लड़कों को सस्ते हुए, नहीं ना, लड़कियां सस्ती मतलब है सुंदरता। ओके, जो नंबर छह है वो राजकुमारी है, मतलब सुंदरता चीज। ओके, छह नंबर। सात नंबर जो है वो है निचले वाला, मतलब हेड नहीं रहेगा, खाली बॉडी रहेगी, वो है आपकी, मतलब क्या है, जिसके पास दिमाग नहीं है तो किससे काम करेगा, किससे काम करेगा, फिजिकली, फिजिकली या फिजिकली काम करेगा। यू आर राइट, बाकी तो नेम चेंज, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं। नाउ अब सात नंबर जो है वो फिजिकल वर्क करने वाला, दिमाग नहीं है उसको, अब दिमाग नहीं तो क्या करेगा काम। सात नंबर के बिना हम जी सकते हैं, एक दिन भाई नहीं है तो क्या हो जाएगा हालत, सोचे देखो। ओके, सात नंबर न्याय मांगेगा, क्यों डाटा मुझे, वो क्या है, आठ नंबर है जज है। हमारे जज जितने भी हाई कोर्ट वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट, जो भी लायर है, सब ये क्या है, ये न्यायाधीश है, न्याय देने वाले हैं, तो वो सभी आठ नंबर है, न्याय मतलब जज। ओके, अब जज के पास जाए, नौ नंबर जो है वो मार्स है। मार्स मतलब है, मतलब एक्शन करने वाला। ओके, नौ नंबर जो है वो एक्शन वाला है, एक्शन नहीं करेगा तो आर्मी क्या हो जाएगी, खाली प्लानिंग कमीशन, खाली करते रही, नौ नंबर वाले करेंगे, सेनापति, सेनाधिपति। ओके, सेनाधिपति मतलब क्या है, यहाँ एकदम समझाने के लिए सेनाधिपति बताया है, मगर जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट में है वो भी सभी वही है ना, मतलब जहां पर आपकी सिक्योरिटी होती है वो नौ नंबर वाले, पराक्रमी, पराक्रमी। ओके, नौ, अब नौ नंबर वाले, आठ नंबर वाले, सात नंबर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो अपने 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 जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर के, उस हिसाब से वो नेचर होगा। जैसे अभी हमने बोला सन, सन मतलब राज, राजा। I am Usha, yes sir. Okay, one number means king, two number means queen. No, that queen. I already understood. The last sentence you said 7, 8, 9, and then the last sentence. Yeah, nine is a mass. Is a, yeah. So is a military commander. कमांडर, मिलिट्री कमांडर हो, कहीं भी हो, समझाने के लिए है कि जो समझ में आए वर्ड नंबरों का। अब मेरे, मेरा ड्राइवर नौ है, क्या मैं मिलिट्री में हूं, मगर मेरा नेचर कैसा रहेगा, वही नेचर रहेगा जो नौ नंबर का होता है। एक नंबर वाला किंग रहा तो वही कहीं भी हो वो अपनी चलाएगा, दो नंबर वाला रहा कहीं भी इमोशन रहेगा, तीन नंबर वाला रहा तो नॉलेज रिलेटेड बात ही करेगा। तो ये जो नंबर 1 to 9 है ये आपके जीवन में आपके व्यवहार को बताते हैं, आपके बिहेवियर को बताते हैं, आपके नेचर को बताते हैं। इसका है उषा, नो आई जस्ट आस्क्ड 1 and 8, दैट इज 1 8 इज अ स्ट्रगल नंबर, स्ट्रगलिंग नंबर, दे गेट अनसक्सेसफुल इन एवरी फील्ड, every field, their life will be very horrible, 1 or 8, आंखों में आंसू आ जाते हैं,
हर स्टेप पे रोज जिंदगी में रोज. ओके फाइन. अब 1 to 9 नंबर के एट्रीब्यूट समझ में आ गए. आप किसका ड्राइवर एक और कंडक्टर एक है क्या? ड्राइवर किसी का हो सकता है, किसी का 1 और 8 कितने कॉम्बिनेशन होंगे? इसे 81 कॉम्बिनेशन होंगे. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 फिर 2 1 2 2 2 3 तो 9 तक 2 8 2 9 तो कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? 9 plus 9 टाइम्स मतलब 9 into 9 81 81. तो इसे कहते हैं 81 कॉम्बिनेशन. हम वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ वो तो बहुत लंबा चल जाएगा, वो प्रोफेशनल कोर्स में देखेंगे. तो 81 जो कॉम्बिनेशंस है वो इसे कहते हैं 81 कॉम्बिनेशंस. ओके विल फोकस ओनली ऑन चेंज ऑफ नेम. ओके अब भाई किसी का 1 1 और 9 आया क्या? चलो अभी एक काम करो, अपने आपने बोला था ना तारीख लिख के रखना अन्य की, तो मेरी भतीजी का 1 9 है. ओके फाइन. तो आप अभी अब क्या करो, और एक पेज पर अपने हस्बैंड के या वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, नाम लिखिए. नेक्स्ट पेज पे 5 5 6 पेज ये सब भर जाएंगे पेज, कल तक ये पूरे भर जाएंगे. अपने हस्बैंड के अपने हस्बैंड की या वाइफ की या किसी बच्चे की, यदि मैरिड है तो वाइफ की लीजिए या हस्बैंड की लीजिए, नहीं है तो अपनी फादर की ले लीजिए, किसी और की, ताकि आपको समझ में आए नंबर कैसे प्ले करते हैं रोल जिंदगी में. नंबर कैसे प्ले करेंगे रोल हमारी जिंदगी में, उसका ड्राइवर निकालिए, कंडक्टर निकालिए और कुआ नंबर निकालिए. ओके सर. ओके अब ये देखो आपके वाइफ का, आपका ड्राइवर क्या है, अपना अपना ड्राइवर एक दिमाग में ला. आपका ड्राइवर 1 2 3 4 9 होता है, अपनी वाइफ का भी ड्राइवर निकाल लीजिए. ओके ओके अब ये देखो कि नंबर जो है वो आपका ड्राइवर एक है और वाइफ का हस्बैंड का होगा, दूसरा नंबर होगा. ये देखिए एक राजा जो है जो जिसका भी नंबर एक आया वो कैसा रहेगा? लीडर रहेगा, लीडर रहेगा. राजा क्या रहता है? फॉलोअर होता है, फॉलोइंग करता है, सबको अपने मुट्ठी में रखता है. कौन क्या करता है? अपने मुट्ठी में रखेगा. एक नंबर वाला सबको अपनी मुट्ठी में रखेगा, उसकी वाक चातुरता रहेगी, बहुत समझ सोच समझ के बात करता है. जो 1 नंबर वाला होता है बहुत सोच समझ के बात करेगा जितनी, और उसकी बात जो है उसमें वेटेज रहेगा, दम रहेगी बात में. There will be weightage for okay communication. Good communicator रहता है 1 नंबर. क्या होता है? 1 नंबर वाला गुड कम्युनिकेटर रहता है. Now 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला है ये बहुत इमोशन होता है और अंतर्मुखी होता है. ओके 1 नंबर वाला जो है बाह्य मुखी होता है, मतलब दुनिया के बारे में मटेरियलिस्टिक. अंतर्मुखी इंटीट्यूड इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्स. ओके थैंक या अंतर्मुखी इंट्रोवर्स. ओके सॉरी उषा जी, लास्ट टाइम भी मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाया, सॉरी, क्योंकि सडनली आई कांट चेंज. नो इट्स ओके, आई डू अंडरस्टैंड या बट सम वर्ड्स ओनली. या या यू कैन, यू आर मोस्ट वेलकम. ओके अब ये देखो कि 1 नंबर वाला कैसा होता है? राजा होता है, गुड कम्युनिकेटर होता है, उसके पास लीडर होगा, उसके पास शक्ति होगी उसके पास. 2 नंबर वाला रानी है, कैसी होती रानी? इमोशन होती है. राजा के साथ उसकी निपती है, यदि राजा के साथ नहीं निभेगी तो क्या हो जाएगा? डाइवर्स. आज के हिसाब से क्या है? डाइवर्स हो जाएगा. पहले नहीं था, अलग बात था, मगर राजा के साथ नहीं निभती. राजा मतलब है हस्बैंड, यहाँ पर
आज के दौर में ले लीजिए, तो वाइफ की नहीं निपती है तो क्या हो जाएगा? ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है नंबर तीन। नंबर तीन वाले कैसे होते हैं? नॉलेजेबल होते हैं। ये लिखना और जरूरी है, आगे समझ में आएगा। नॉलेजेबल होते हैं ओके, इनके पास अपार नॉलेज होता है ओके। और एक लिख लीजिए, दे आर वेरी स्विफ्ट मूवर होते हैं। स्विफ्ट मूवर मतलब उनको पता पता है कि कौन सी पतली गली से निकल जाए, कब प्रॉब्लम आए, मतलब उनको पता है कब स्किप हो जाए पतली गली, मतलब कब स्किप हो जाना है, कब प्रॉब्लम में हाथ डालना है, दे नो वेरी वेल। नंबर तीन वाले ओके, और इनके पास नॉलेज बहुत होता है ओके। नेक्स्ट चार नंबर वाले, चार नंबर वाले प्लानिंग में मास्टर होते हैं। चार नंबर वाले प्लानिंग में बहुत मास्टर होते हैं ओके। और एक पॉइंट याद रखना, किसी का ड्राइवर एक है, कंडक्टर दो है, दो और एक और डिफरेंट है, एक और दो और एक में डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है। ड्राइवर नौ है और कंडक्टर चार है, नौ और चार बोलते हैं हमेशा, चार और नौ का मतलब अलग है, नौ और चार का मतलब अलग है। नेक्स्ट, अब नंबर कितना था? चौ प्लानिंग, दे डू वेरी गुड एट प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे? दे डू लॉट ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? अनम्यूट कर लीजिए खुशी, खुशी खुशी, हाँ जी। अब प्लानिंग का मतलब क्या है? अब खाली सपने बड़े बड़े प्लानिंग करने से हो जाएगा जीवन? हाँ, यदि जॉब कर रहे हो, आपकी प्लानिंग करने में आपकी माहिरता है तो वो अलग बात है, अदरवाइज खाली सब प्लानिंग करोगे तो क्या फायदा है ओके? नहीं होगा। तो इस तरह से आपको चार नंबर प्लानिंग करता है, समझना इस वर्ड को, याद रखना। ये अपने फ्रेंड के साथ जाकर आज उनके डेट ऑफ बर्थ जितने मालूम है उनको डेट ऑफ बर्थ निकाल के देखिए, वो आदमी कैसा नेचर का रहेगा। नेक्स्ट पांच नंबर, पांच नंबर होता है ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी मतलब हिंदी में अच्छा वर्ड है उसका, बहुरूपिया, दो रूप होते हैं ओके। कभी इधर बोलेगा कभी उधर बोलेगा, क्या बोलेगा? कभी इधर और कभी उधर, समझ में? कभी इधर और कभी उधर, तो क्या हो जाएगा? कभी उधर इधर बोलने से ओके। अब डबल रोल करने वाले, डबल रोल मतलब सामने बहुत अच्छी बात करने वाले, पीछे टू फेसेस, टू कॉइंस, इधर भी बात करेंगे उधर सा, आपके सामने एक बात करेंगे और पीछे जाकर एक बात करेंगे, ड्यूअलिटी होती है उनकी, वो वैसे होते हैं पांच नंबर वाले। राजकुमार कैसा होता है अपनी बात निकालने के लिए मम्मी से ही बोले? अब बच्चे कैसे होते हैं हमारे? पापा से एक बात बोलते हैं, मम्मी से एक बात बोलते हैं, मम्मी से एक बात बोलेंगे और पापा से एक बात बोलेंगे और अपना मकसद निकाल लेंगे, वो ऐसा है पांच नंबर। छठवा नंबर है सुंदरता का, सिस्टमेटिक काम करने का, मेथोडोलॉजिकल से काम करने का नंबर है। सिस्टमेटिक काम मतलब क्या है? यदि किसी का भी घर में किसी का भी रहा छह नंबर, वो अपने घर को बहुत सुंदर सा, पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट द वुमन, वो घर को बहुत व्यवस्थित के सब सामान अपने अपनी जगह पर रखवाएगी, उसको बिखरा हुआ घर पसंद नहीं है। इवन बाथरूम के जो बकेट होती है ना, बकेट में प्रॉपर मग लगा के रखोगे। छह नंबर वाले ऐसे होते हैं, यदि उनको जाना भी है कहीं बाहर, घर में भी रहेंगी
तो प्रॉपर ड्रेस करेगी, मैचिंग वाला, उस छह नंबर के एट्रीब्यूट्स है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, मेल में रहा तो क्या करेगा वो अपने घर को जितना हो सके, एटलीस्ट पूरा घर को नहीं करेगा, अपने रूम को, अपने कपड़ों को, शूज को पॉलिश करके, टाई बराबर पहन के, बिल्कुल प्रेस वाला कपड़ा चाहिए, छह वाला, अपना बैग साफ करेगा, अपनी कार है, स्कूटर है, उसको भी साफ करके जाएगा, ऐसे नहीं बैठेगा, सुंदरता है ना, और उसमें उनकी चाल में भी दिखाई देते हैं छह नंबर वाले एट्रीब्यूट। आप यदि थोड़ी देर जब प्रोफेशनल कोर्स करोगे और एडवांस कोर्स करोगे, जब समझ में आएगा, तो आप चाल देख के बोल सकते हो कि ये कौन से नंबर से डोमिनेट कर रहा है। डेट ऑफ बर्थ जरूरत ही नहीं, लोग आते हैं क्योंकि सबके मैंने नंबर बोल चुका हूँ, ड्राइवर तेरा ये है, कंडक्टर ये। आप थोड़े प्रैक्टिस हो जाओगे, पता चल जाएगा नौ की, बस इतने जो नौ नंबर के जो मैंने फैमिली बोली है, उस फैमिली को ही समझो तो ओके। तो मैं जस्ट चाल देख के बोल देता हूं कि इसका ड्राइवर ये होगा, कंडक्टर ये होगा, इसकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर रहेंगे। कैसे? क्योंकि चाल को देखकर, उनके बात करने की स्टाइल पे, उनके फेस कट से आप जान सकते हो बहुत कुछ। बोलने के नंबर बाद में आएंगे, हाँ नंबर डेट ऑफ बर्थ चाहिए, क्योंकि पूरी विश्लेषण करने, एनालिसिस करने के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए ही चाहिए, बट एटलीस्ट आप गेस कर सकते हो, अप टू 90-95% एक्यूरेसी निकलते हैं। हाँ ऐसा नहीं कि एकाध दो केस कभी नहीं निकलते हैं, पर आई कैन से 90-95% एक्यूरेसी निकलते हैं, 5% तो नेचुरल छोड़ दो। ओके, अब पांचवा छठवा हो गया, सातवा नंबर, ये सिर्फ फिजिकल काम करने वाले होते हैं, इनके पास दिमाग नहीं होता है। क्या होता है? दिमाग नहीं होता है। ओके, और ये बहुत वफादार होते हैं। भैया देख लीजिए, ये वफादार है, वफादार है, ट्रस्ट करती है, ऐसा नहीं कि वो भाई नहीं थी, पर इसको मैं रखा हूं। तो कहने का मतलब है सात नंबर वाले बहुत ज्यादा वफादार, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर भाई का नंबर सात रहे, उसका सात नंबर है इसलिए रखा मैं, और पहले भाई भाई का था जो एक नंबर था, तो वो एक बात बोलो चार बातें बोलती थी, अब लंबी कहानी सुनाती थी, मतलब एक नंबर वालों को आप हैंडल नहीं कर सकते हो। ओके ओके, अब ये हो गया सात नंबर। आठ नंबर वाले जज होते हैं, जजमेंट देते रहते हैं, ये बहुत फोकस से काम करते हैं, बहुत फोकस होते हैं, ये जो फोकस होता है वो आठ नंबर वाला होता है, फोकस जो है मतलब आठ नंबर देता है, जजमेंटल होता है, हर एक को दो मिनट में तोल देगा ये पानी पानी में कितना है। ओके ओके, नौवा नंबर जो है बहुत खतरनाक नंबर है, कभी भी जिंदगी में याद रख लेना, सभी नंबर वालों से आप झगड़ा कर लो, नौ नंबर से कभी मत करना। तो जो नौ नंबर वाले हैं अनप्रिडिक्टिव होते हैं, अनप्रिडिक्टिव मतलब कब अपनी चाल चेंज कर देंगे पता ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो क्या है, रणभूमि में काम करने वाला है, सेनाधिपति है ना, चाल पहले से डिसाइड नहीं कर सकता, वो वहां के मौका परस्त होते हैं, मतलब मौका को देख के छक्का लगाएगा, मौके को देखकर छक्का लगाएगा, मतलब समय के हिसाब से आपको काम करेंगे, अनप्रिडिक्टिव होते, इसीलिए वो कब अपनी चाल चेंज कर देते हैं ये आप नहीं समझ सकते हो। फिर दो मिनट बाद फिर अच्छी बात करें, तो ये फायरिंग में इन्हें इन्हें कहते हैं एग्रेशन बहुत ज्यादा हो। Ask you this this one about all the numbers here. We should see both of the numbers from the driver and the conductor. No, I didn't tell anything about. Just I given a flavor of numbers. I not okay. Gone for a driver conductor.
Just I'm explaining the number attributes. These are called the attributes of the numbers. Okay. This number represents the nature and behavior of the people. Suppose, what is your driver and conductor? Can I ask you? Usha ji. What is your driver and conductor? Driver is 5, conductor is 3. 3. 5 and 3. Matlab kya hoga? 5 ka matlab hai duality. 3 ka matlab hai knowledge. Correct hai? It has interrelationship. Wo hum log nahi dekhenge abhi. But 3 and 5 and 3. एक जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसे कहते हैं ड्राइवर एंड कंडक्टर कॉम्बिनेशन. दिस इज द 81 कॉम्बिनेशन होते हैं. ओके ओके. अब इनके एट्रीब्यूट पहले क्या था. अच्छा, 9 नंबर वाला जो है वो अनप्रिडिक्टिव होता है. लाइफ को तित किसी के लाइफ को यदि हाथ लगाता है 9 नंबर वाला, बहुत संभाल के जाएगा. जिस दिन उसका दिमाग खराब हुआ उसकी वाट लगा देगा. Now or one good combination. Good combination, na? Good for wife and husband is good combination. Haan. One यदि wife का रहा, तो 9 number वाला wife की सुनेगा. हाँ, कि राजा है ना, राजा किसकी सेनाधिपति किसके सुनेगा? राजा की सुनेगा. नहीं सुने तो क्या होगा? Okay. और एक लिख लीजिए. 9 number वाला rebellion होता है, विद्रोही होता है. कब विद्रोह कर देगा पता नहीं है, इसीलिए ओके विद्रोह कब कर देगा पता नहीं है. विद्रोही नंबर, इसीलिए 9 नंबर मार्स को कौन पूछते हैं, मंगल को कौन पूछ, कौन से भगवान पूछते हैं हम लोग? हनुमान जी को. हनुमान जी जब तक दोस्ती थी दोस्ती, नहीं तो क्या किया, लंका को आग लगा दी, नहीं लगाई. ये होता है 9 नंबर के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है. नंबरों में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो 9 नंबर है. यदि वो 9 नंबर अपनी एनर्जी को चैनलाइज करे, जिसका भी ड्राइवर 9 है, वो कहां से कहां पहुंच सकता है. क्लियर है? हाँ. अब ये देखो कि आपके ड्राइवर और कंडक्टर में कौन से लिख लीजिए बाजू, और आप देखिए आपका नेचर कैसा है. एक कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों नंबरों का रहेगा आपका नेचर. पास बहुत एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी 129 नंबर में से 9 नंबर एनर्जी. और सबसे फिजिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा इंट्यूटिव पावर जिसके पास है वो 2 नंबर के पास है. 1 नंबर के पास बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है. 5 नंबर के पास ड्यूअलिटी, बहुत उनकी चाल को समझ नहीं पाओगे, कभी ये भी कर देगा ये भी कर देगा. और 4 नंबर वाले हैं दे आर वेरी गुड एट प्लानिंग. 3 नंबर वाले हैं दे आर वेरी गुड एट सब्जेक्ट. कौन सा सब्जेक्ट भाई? जिस फील्ड में हो उस फील्ड का सब्जेक्ट. यदि सपोज 3 नंबर वाला स्मगलिंग करता है तो ही विल बी ए फुल्ली नॉलेज ऑफ स्मगलिंग का, पूरा नॉलेज रहेगा. ये टीचर है तो उसका सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज रहेगा, उसका पूरा नॉलेज होगा. जिस फील्ड में है उस फील्ड का नॉलेज होगा, सिंपल बताया जाए. डॉक्टर है तो क्या होगा, डॉक्टरी का पूरा नॉलेज रहेगा, ये डिप पे जाएगा. ओके, इस तरह से अभी हमने क्या देखा, 129 नंबर देखा. ओके, अभी तक हमने ड्राइवर देखा, पहले तो देखा DDMM PYY फॉर्मेट, और फिर बाद में ड्राइवर कैसे निकालना है, कंडक्टर कैसे निकालना है, कुआ नंबर कैसे निकालना है, और फिर हमने ये भी देखा 129 नंबर के एट्रीब्यूट. इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट. इनको याद रखना बहुत जरूरी है, एट्रीब्यूट को. इनको याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको लोगों के बिहेवियर पैटर्न कैसे हैं, आगे वाला कैसा नेचर का है, ये पता चलेगा. इससे फायदा क्या है,
क्या फायदा है? इससे ये फायदा है आपको किससे दोस्ती करनी है नहीं करनी है ये भी जज कर लो, क्या कल बताऊंगा। मगर पता है आपको जी, चार और आठ वाले पैसा बहुत कमा सकते हैं यदि उनको चैनलाइज किया जाए। ओके नेक्स्ट, अब ये हो गए। अब इसमें से ऑड नंबर कौन से है और इवन नंबर कौन से है? ऑड नंबर कौन से है, इवन नंबर कौन से है? ऑड नंबर मतलब क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर है। अब जो ऑड नंबर है, इवन नंबर है, लिख लीजिए। ऑड नंबर कौन से है? 2, 4, 6, 8, 10 ये ऑड नंबर है नहीं? इवन नंबर सर। हाँ इवन नंबर है, इवन नंबर। अब बाकी जो भी है 1, 3, 5, 7, 9 क्या है? ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब है जो इवन नंबर है वो प्रकृति है, ऑड नंबर जो है वो पुरुष है। ऑड इज मेल एंड इवन इज फीमेल। या इवन नंबर जो है वो फीमेल है, ऑड नंबर जो है मेल, प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति, पुरुष का मतलब है कि जो चेंज नहीं होता है। कभी देखा क्या आपकी पापा को कितना चेंज हुए हैं? बचपन में वही नेचर था, मम्मी का चेंज देखो कितनी बार चेंज हुआ होगा। जो जो पुरुष है वो चेंज नहीं होता है, जो प्रकृति है वो चेंज हो सकती है। कुछ नंबर जो है वो पुरुष के हैं, कुछ नंबर प्रकृति के हैं। मतलब जिसका भी ड्राइवर रहा, ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, जिसका भी ड्राइवर पुरुष रहा मतलब वो रिजिड रहेगा, उसको चेंज करना मुश्किल है, उसको कन्विंस करना मुश्किल है। जो प्रकृति है, जिसका ड्राइवर प्रकृति है, ओके, उसे उसे मोल्ड करना बहुत इजी है, मोल्ड करना बहुत इजी है। सर दिस वन, सो द मेल नंबर इज द ऑड नंबर राइट? यस। एंड द फीमेल नंबर इज द इवन नंबर व्हिच यस या दैट कैन चेंज। ऑड सी, ऑड इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, इवन यू कैन चेंज इट, because if you go and see your father behavior is the same in the, whatever they are in your childhood and today also, okay, jo male husband ko bhi dekha hoga waise hi hoga acha, aur female ka dekhiye wo apne changes in only in behavior mein he like in anything always in behavior pattern, we are talking about behavior of the people not individual, okay sir, agar is ha ji। तो ये जो नंबर है मेल और फीमेल के नंबर्स है, तो फीमेल का मतलब है जो चेंज हो सकता है, उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है, और प्रकृति और पुरुष का नंबर है मतलब है उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। वन को चेंज कर सकते हो क्या? गुरु को चेंज कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से कभी भी ऑड नंबर को चेंज करना मुश्किल है, ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट पूछ लीजिए। क्लियर है सर? नहीं बाकी clear. नहीं, आपको क्लियर होगा, मैं बाकी को पूछ लीजिए। ये नहीं समझ में आए तो कल की क्लास परसों की क्लास नहीं चलाएंगे। ओके सर, यदि ड्राइवर कंडक्टर दोनों सिक्स होता है तो वो भी होता है क्या? नहीं, हम होते हैं इम्पैक्ट। हाँ, क्योंकि सेम, दोनों सेम है, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों होते हैं। अब सपोज 666 भी आ सकता है, कुआ नंबर भी 6 आ सकता है ना, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, परमिटेशन है, जो लोचो गेट पे आता है, एनालिसिस पार्ट में, प्रेडिक्शन पार्ट में आएगा। अच्छा, ओके, या वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट, वी आर गोइंग टू द आवर स्कोप ऑफ द वर्क डिस्कशन इज चेंज ऑफ। ओके, इसके जो कॉम्बिनेशन है लोचो गेट विल गो इन अ एडवांस नहीं, जैसे सर समझने के लिए आप जैसे बता रहे हैं, यस यस,
कि हम लोग उनकी प्रकृति को जान सकते हैं, तो जैसे ड्राइवर सिक्स है और कंडक्टर भी सिक्स है और कुआ नंबर एट है, तो हम इसके किस कॉम्बिनेशन को लेंगे कि समझे कि उस इंसान की प्रकृति क्या है? बाकी नंबर भी तो प्ले करेंगे रोल, जो डेटा ड्राइवर कंडक्टर कुआ नंबर, बाकी जो डेटा बर्थ में है ना, हाँ हाँ, वो नंबर को भी कंबाइन करना पड़ेगा। अच्छा, जब भी जाके, बट सिर्फ इतना ही है कि नेम चेंज में कितना जरूरत है उतना ही बता रहा हूँ। अदरवाइज उसके उसके जो नंबर्स है, जैसे आपका डबल आ रहा है सिक्स का, तो आपके डेट ऑफ बर्थ में भी सिक्स होगा। और हाँ जी सर, कितने डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ इज 15/5/1975, तो 3555 आ रहा है, बट ड्राइवर और दोनों सिक्स आ रहा है और कुआ नंबर इज एट। यस, तो ये सबका जो लोशो ग्रिड में होता है वहां पर डालकर हम देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपकी दशा भी निकालनी पड़ेगी, अंतरदशा निकालनी पड़ेगी, मां दशा निकाल कर इन सबका नंबरों का क्या प्रभाव पड़ रहा है आप पर, वो सबको एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर, हां अभी इतना ही। हां ओके फाइन, वी विल गो इनटू स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन इज चेंज ऑफ होम।